मैं पूछता, ओके दीप, हु इज योर विकेट कीपर फॉर द T20 वर्ल्ड कप? स्टैंडिंग राइट नाउ एंड अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप, केएल राहुल। केएल अच्छा राहुल। ये तो हमने, हाँ केएल राहुल, एमएसडी का हमने बोल दिया। अब बात करते हैं पोटेंशियली मैच विनर, वन ऑफ द पोटेंशियल मैच विनर्स दैट वी हैव राइट नाउ, व्हिच इज ऋषभ पंत। सी ऋषभ आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड टैलेंट, वी हैव सीन दैट। हमने देखा वो क्या कर सकते हैं, उनकी काबिलियत हमें पता है, लेकिन कभी कभार ना झटका देना भी जरूरी होता है। एंड आई थिंक वो वक्त है अभी की, जहां पे झटका तो दे दिया आपने, राइट? लेकिन मुश्किल ये है कि सुधारने का मौका नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि चलो आपने ड्रॉप कर दिया, अभी 6 महीने पहले तक ही वॉज तीनों फॉर्मेट का विकेट कीपर आपका, राइट? आपका हाँ, T20, यस, फाइव डे टेस्ट मैच, 6 महीने पहले, अभी तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहा वो। और मुश्किल ये है कि सिर्फ खेल नहीं रहा, वो टीम के साथ है, तो मतलब वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहा। तो गुड पॉइंट, अगर वेरी गुड मुझे, पॉइंट। है ना, तो अगर मुझे प्रूव करना है कि भैया जो मैंने गलतियां की है 6 महीने पहले, वो उसमें मैंने किया है सुधार, और प्रूव कहाँ करेगा आदमी अगर आपको मौका नहीं मिल रहा, फिर डोमेस्टिक में जाए ना। सी वो एक ऐसे उम्र में 23 24, वेर ही इज गॉट गुड 10 12 years ऑफ गुड क्रिकेट लेफ्ट इन, हाँ 10 12 साल आराम से। लेकिन उसको अभी से फिर आपको ग्रूम करना पड़ेगा, राइट? अगर आपको लगता है कि भैया इस सीरीज में वो नहीं करेगा, खेलेगा, लेकिन आपको दो कीपर भी ले जाना है, उसको मत ले जाओ ना, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है तो आप कहो कि नहीं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, यू आर अच्छा, पार्ट ऑफ द सीन, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सीन, बट यू रादर हैव हिम प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट देन सिटिंग आउटसाइड एंड एंड यू नो सर्विंग वाटर और टी, व्हाटएवर। उस हिसाब से आपको अगर दूसरा कीपर, नाउ आई एम कमिंग टू अनदर नेम, समवन लाइक दिनेश कार्तिक, डीके। आई थिंक डीके थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है क्योंकि लास्ट 1 2 साल में आई थिंक T20 क्रिकेट ही इज डन वेल, बट ही वाज ड्रॉप्ड आफ्टर द 50 ओवर फॉर्मेट, एक्जेक्टली, राइट? सो यू आप सी अगेन यू कैन गो बैक एंड से एज एंड ऑल दैट, बट सी माय फॉर एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यार, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप फिट हो, आप परफॉर्म कर रहे हो लाइक अ 23 ईयर ओल्ड, देन अ 32 ईयर और 23 में फर्क नहीं होना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज, इफ यू आर फिट इनफ, यू आर परफॉर्मिंग वेल इनफ, देन व्हाई नॉट। Yes, आप ये कह सकते हो कि 50 ओवर्स में ग्रूम करना है, अगला 50 ओवर्स इज इन 2023, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन यस, वेरी वेल अंडरस्टैंड। लेकिन आप ये कह रहे हो कि यार इस साल एक T20 वर्ल्ड कप है, फिर अगले साल एक और T20 वर्ल्ड कप है, देन यू थिंकिंग ट्वाइस एंड से कि यार यार अगर 6 महीने और 1 साल के अंदर 2 T20 है, तो देन व्हाई नॉट कंसिडर हिम एज वेल। अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट आई मेड विद इन टर्म्स ऑफ ऋषभ, कि अगर सेकंड कीपर हिसाब से किसी को रखना है, राइट, एंड यू वांट ऋषभ टू गो एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, आपको दूसरा रखना है, देन व्हाई नॉट समवन लाइक डीके? ही हैज दैट एक्सपीरियंस, तो वो राइट, एक्सपीरियंस भी बांट सकता है। ही इज गॉट नथिंग टू प्रूव इन डोमेस्टिक क्रिकेट एनी मोर, पिछले 15 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। ऐसा नहीं कि डीके को आप डोमेस्टिक क्रिकेट, अगर वो 1000 रन बनाएगा उस बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे। सो इन द सेंस, सो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, देन ही इज पार्ट एज अ सेकंड विकेट कीपर। आपने ऋषभ को उधर भेज दिया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, सो यू यू विल हैव टू थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा चीजों को, प्लेयरों को, कि अच्छा आप इधर हो आप उधर हो, मतलब जगह जगह पे फिट करना पड़ेगा, सो दैट देर इज वैल्यू फॉर एवरीवन, देर इज वैल्यू फॉर एवरीवन। वो आपको दीप देखने की किसका वैल्यू कहाँ ज्यादा है। दीप मेरे को